ये क्या है सो so, अगर आपने इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में अकाउंटेंसी पढ़ी है या अगर आप अभी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो आप देखेंगे द सिमिलैरिटीज बिटवीन द दिस सब्जेक्ट एंड जो अकाउंटेंसी आपने ऑलरेडी पढ़ी है इट्स द सेम थिंग व्हाट इज ट्रायल बैलेंस जर्नल एंट्रीज लेजर कैसे बनता है कैसे आप बैलेंस शीट बनाएंगे एंड पी एन एल एंड ऑफकोर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम रेशियोज के बारे में भी सीखेंगे एंड कुछ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे यू नो रिलेटेड टू योर इनवेंट्री टैंजबल नॉन करेंट एसेट्स इन टैंजबल्स ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेवल पे बहुत बेसिक लेवल पे आपको ये स्टैंडर्ड्स बस इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे लेकिन ऑफ ऑफकोर्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे ये स्टैंडर्ड्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेवल पे काफ़ी सिंपल और यू नो जस्ट इंट्रोडक्ट्री लेवल पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन जो की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है एक बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन है जो की आपको बताएगा कि यूरो you अकाउंटिंग know, में क्या टर्म्स है थोड़ी हमारी एसेट लाइबिलिटीज फॉर्मैट्स एंड अबाउट फाइनेशियल रिपोर्टिंग सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जम्प ऑन टू टूडे सेशन सो लाइक ए से आज का सेशन है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सो फर्स्टली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पर्पस क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बेसिकली अ वेज इज अ तरीका जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो एनालाइज कर सकते हो और समराइज कर सकते हो अपना फाइनेंशियल डेटा द की वर्ड इज रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग एंड समराइजिंग अब आप पूछोगे मैम व्हाट इज फाइनेंशियल डेटा सो कोई भी जो ट्रांजैक्शन होता है राइट मे बी मैंने कहीं से गुड्स खरीदे या मैं सेलर हूं मैंने गुड्स बेचे तो एक ट्रांजैक्शन हुआ दीज ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली यू नो विल बी रिकॉर्डेड सम वे यूजली दे आर ऑफ ऑफकॉर्स रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो आपकी जो बुक्स होती हैं चाहे सेल्स डे बुक हो गई या कहीं जर्नल्स हो गई आप उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो वो होता है आपका फाइनेंशियल डेटा ट्रांजेक्शन को देन आप ऑफकोर्स यू नो एनालाइज करोगे एक बार आपने रिकॉर्ड कर लिया तो आप अब एनालाइज करोगे आप देखोगे कैसे बनेगा एंड फाइनली ये जाके समराइज होते हैं टू एंड शेप ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि आपका बैलेंस शीट और पी एन एल सो अल्टीमेट एम तो यही है टू प्रोड्यूस योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट इज योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पूरा प्रोसीजर लाइक अ सेट द ट्रांजेक्शन वुड बी समराइज इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स Now let's move on to the second topic which is what are the types of business entity. Now एक business को देखने का तरीका बहुत अलग-अलग होगा, right? Just कोई अगर goods बना के बेच रहा है, only that will not be considered as a business. There are many categories of and characteristics of your business. Now a business is a commercial या industrial concern जो कि exist करता है to deal in manufacture, resale या supply करना कोई भी goods या service को भी. बिजनेस इज एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूज करेगा इकोनॉमिक रिसोर्सेस को टू बेसिकली क्रिएट द गुड्स और सर्विसेस जो अल्टीमेटली कस्टमर या कंज्यूमर खरीदता है बिजनेस इज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन आप कोई बिजनेस रन करते हो तो आप हायर करोगेस्ट मनी इन वेरियस रिसोर्स अब वो रिसोर्स बिल्डिंग हो सकती है लैंड हो सकता है मशीनरी हो सकती है लोग हो सकते हैं मोर मनी फॉर द अल्टीमेट ओनर्स जो है आपके बिजनेस के नाउ देर आर मेन टाइप्स ऑफ जॉब की बिजनेस एंटिटीज है एंड हम ये तीनों टाइप को अभी इन डिटेल देखेंगे विद एडवांटेजेस एंड डिस ऑल्सो सो आपका है सोल ट्रेडर देर इज पार्टनरशिप एंड देर इज ऑल्सो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज आपने शायद ये टर्म सुनी होगी पहले इनके बारे में पढ़ा होगा सो लेट्स क्विकली जम्प ऑन टू सोल ट्रेडर हु इज अ सोल ट्रेडर now, sole trader, you can just remember it like that. it is owned by one and liability is on one. may who invest mira business i am running it. i am making all the profits and if there are any losses, i am personally liable for it. let's say i start, you know, any business, maybe baking goods and i start selling it online. so many invest in some machinery, equipment or ingredients. so mira pesa, yeah. कल को इफ माई बिजनेस इज डूइंग वेल देन आई माइट हायर फ्यू डिलीवरी बॉयज तो मैं कुछ छोटे मोटे स्टाफ को इम्प्लॉय करूंगी मे बी एंड जो भी प्रॉफिट है वो मेरा है डिसीजन मैं बना रही हूँ स्टाफ डिरेक्टली मुझे रिपोर्ट कर रही है एंड अगर कोई लॉसेज है तो वो मुझे इंकर करना पड़ेगा कल को इफ़ यू नो आई गो इन टू अ लॉट ऑफ डेट

सोल ट्रेडर मस्ट मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड प्रोड्यूस फाइनेंशियल अकाउंट बट ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अकाउंट्स को कहीं पब्लिश करना होगा या पब्लिकली अवेलेबल कराना होगा ये यूजुअली एक सोल ट्रेडर मेंटेन करेगा फॉर टैक्स पर्पसेस यू नो टू सी कितना प्रॉफिट बना है क्या टैक्स पे करना होगा एंड ऑल ऑफ दैट ना क्या एडवांटेजेस है अगर एक है? Now, speaking, ये सोल ट्रेडर टाइप का बिजनेस है ना जेनरली स्पीकिंग ये आइडिया बहुत ही मतलब ये आइडियल रहेगा ये बिजनेस अगर आपका स्ट्रक्चर एज सच बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिकॉज इट्स अ स्मॉल बिजनेस राइट एंड एज सच आपको जरूरत नहीं है अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू गेट इन टू अ लॉट ऑफ यू नो नीटिग्रिटीज यू कैन जस्ट स्टार्टअप स्मॉल एंड विद एज बींग सोल ट्रेडर क्योंकि थोड़े एम्प्लाइज चाहिए होंगे मे बी आपको एंड नॉट मे बी दैट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट सो so, अगर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है सो दिस इज ग्रेट अगर आपको बहुत कैपिटल की जरूरत नहीं है तो आप अपना ही पैसा लगा के ये स्टार्ट कर सकते हो सो देर इज लिमिटेड पेपर वर्क एंड देफ जो भी आपका कॉस्ट होगा इस्टेब्लिश करने में वो कम होगा क्योंकि ऐसे कोई ज़्यादा पेपर वर्क करने की नहीं आ, course, जरूरत नहीं है ओनर के पास ऑफ कोर्स कंप्लीट कंट्रोल है बिजनेस का आई एम द वन हु ओन्स इट आई एम द फाइनल डिसीजन मेकर मुझे किसी से कंसेंसिस लेने की ज़रूरत नहीं है ओनर इज एंटाइटल टू प्रॉफिट्स एंड इवन ओनरशिप ऑफ एसेट्स। एस जो भी प्रॉफिट्स हैं वो मेरे हैं एंड एसेट्स भी सारे ओनर के हैं रिपोर्ट इन रिक्वायरमेंट एज हमने देख लिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं की आपको आपके फाइनेंशियल अकाउंट कहीं पब्लिश करने है एंड कोई ऑडिट रिक्वायरमेंट भी नहीं है hence, पे भी आपका क्या हो रहा है कॉस्ट सेविंग हो रही है एंड ऑफकोर्स इट कैन भी हाईली फ्लेक्सिबल ओनर के ऊपर ही है सब कुछ राइट right? उसका बिजनेस है ही कैन ईजिली मेक डिसीजन जो उसको पसंद है वो कर सकता है जो उसको सूट नहीं कर रहे हि कैन गो अहेड एंड नॉट डू दैट सो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल डिस भी हैं इस बिजनेस के नो डाउट इन दैट लाइक आई सेट क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी है एक सोल ट्रेडर की कोई भी चीज हुई कोई भी डेथ हुए उसके लिए वो पर्सनली लाइबल है ही विल हैव टू सेल हिज प्रॉपर्टी एंड इफ देर थिंग्स गो बैड एंड इफ देर आर लॉट ऑफ डेथ्स पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक आई सेट कुड बी गेट बी वलनेरबल अगर बहुत डेथ्स हो गए तो आपको बेचनी ही पड़ेगी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बिकॉज देर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी

एंड आपका ही बिजनेस है तो आप अपना जिसे कहते हैं ना खून पसीना डालना तो आप पूरी मेहनत करोगे टू मेक इट सक्सेसफुल सो देर बी लॉन्ग वर्किंग आर्स एज सच आपके पास टाइम होगा ही नहीं कुछ और करने के लिए एंड ऑफकोर्स देर आर इश्यूज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द ओनर और इलनेस क्योंकि मेरा बिजनेस है आन द ओनर अगर कल को कोई बीमारी हो जाए ओनर को या डेथ हो जाए तो इन द बिजनेस विल कम टू अ हॉल्ट बिकॉज ही इज़ द सोल ट्रेडर ही इज द ओनर अगर ओनर ही नहीं रहा तो कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा हैव योर इज पार्टनरशिप्स पार्टनरशिप पार्टनरशिप्स में टू और मोर पीपल माइट कम टूगेदर दिल मेक एन अग्रीमेंट एंड

पार्टनरशिप के जो अग्रीमेंट्स होते हैं दे आर लीगली बाइंडिंग एंड यूजली आप उसमें क्या मेंशन करोगे कि भाई किसने कितना कैपिटल डाला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है मे बी तीन पार्टनर्स है तो आप डिसाइड करोगे कि ओके फिफ्टी परसेंट है एक का बाकियों का पच्चीस पच्चीस परसेंट है मे बी सो यू नो आप ये सब डिसाइड करोगे डिपेंडिंग ऑन किसने कितना कैपिटल डाला है किसका कितना रोल है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पार्टनर्स की ये सारी चीजें यू नो सैलरी कितनी है और अगर पार्टनरशिप डिजॉल्व होगी मतलब खत्म होगी तो उसके क्या प्रोसीजर्स है ये सब अग्रीमेंट में मैंशन होता है इन दू खे अगर आपने कोई अग्रीमेंट नहीं बनाया पार्टनरशिप का देन जो आपके प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1890 नाइनटी देट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई इफ यू डू नॉट हैव हैव एन एन इफ यू जो भी आपने उसमें डाले प्रोविजन ऑफकोर्स अप्लाई बट इफ यू डू नॉट हैव एन देन थिंग्स आर गोइंग टू जो आपके पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको देन चलना पड़ेगा लाइक सोल ट्रेडर्स पार्टनरशिप्स आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम दे ओनर्स सिमिलर टू योर सोल ट्रेडर्स पार्टनरशिप में भी आपको ही बेर करने पड़ेंगे पार्टनर्स को बैर करना पड़ेगा लॉसेस क्योंकि यहां पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है अनलेस यू हैव रजिस्टर्ड एज एन एल एल पी ना एल एल पी का फुल फॉर्म ही होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और राइट तो एज द नेम सजेस्ट लिमिटेड लाइबिलिटी अभी तक हमारे पास अनलिमिटेड uh, लाइबिलिटी पर इसमें आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है सो दिस इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एल एल पी अगर यू आर रजिस्टर्ड एज एन एल एल पी देन अफकोर्स एज द नेम सजेस्ट देट देर इज लिमिटेड लाइबिलिटी तो आपको एज सच यू विल नॉट बी पर्सनली लाइबल देन फॉर द लॉसेज एंड बट लिमिटेड लाइबिलिटी में देन रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाती है इन द सेंस अभी इन अ नॉर्मल पार्टनरशिप अगेन लाइक सोल ट्रेडर ऐसा कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कहीं पब्लिश करना है या ऑडिट कराना है लेकिन एल एल पी का जब आपको स्टेटस मिल जाता है देन दीज थिंग्स चेंज तब रिक्वायरमेंट हो जाती है सो दैट इज वन थिंग टू नोट हेयर ऑल राइट मूविंग ऑन टू अडवाटेज ऑफ पार्टनरशिप ऑफकोर्स देर आर लेस्ट इंडियन रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन जैसे कि हमने अभी कहा पब्लिकली अवेलेबल करने की जरूरत नहीं है ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अनलेस यू आर एन एल एल पी अगर आप एल एल पी हो तो अलग बात है अदरवाइज ये सब कराने की जरूरत नहीं है तो देर आर लेस ट्रेंज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज बिकॉज अब ज्यादा लोग हैं सोल ट्रेडर में तो एक ही इंसान था यहां ज्यादा लोग हैं मे बी दो लोग हैं तीन लोग हैं पार्टनरशिप में या चार लोग हैं तो ज्यादा कैपिटल आप आ, रेस कर सकते हो डिविजन हो जाता है आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाइक ऐसा है सोल ट्रेडर में एक ही इंसान था उसी पे सारा काम था यहां पे आप डिवाइड कर सकते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑफकोर्स देर बी शेयरिंग ऑफ रिस्क अगेन सोल ट्रेडर मेंसन बेयरिंग ऑल द रिस्क यहां द रिस्क विल ऑल्सो बी शेयर एज वेल एज योर प्रोफिट एंड देर इज नो कंपनी टैक्स ऑन द बिजनेस

उसका भी कॉस्ट होगा यहाँ एंड ऑफ कोर्स दे कैन बी इश्यूज विद द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस अगर किसी पार्टनर को कोई डेथ हो गई या इलनेस हो गई तो अगेन प्रॉब्लम हो सकती है यहां पे स्लोअर डिसीजन मेकिंग होगी बिकॉज अब आपको कंसेंसेज लेना पड़ेगा सारे पार्टनर्स का एज अ सोल ट्रेडर आपका बिजनेस था आपने डिसाइड किया बात खत्म बट यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में यू you नो know, दे विल हैव टू कम टू अर कंसेंसिस बिफोर डिसाइडिंग ऑन समथिंग सो उस वजह से देट कूड लीड टू स्लोअर डिसीजन मेकिंग ना अनलेस यू हैव रिटर्न अ क्लॉस इन योर अग्रीमेंट जब कोई एक पार्टनर जा रहा है तब तो आपको खत्म करनी ही पड़ेगी पार्टनरशिप एंड देन अनदर अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर बट अगर आपने कोई क्लॉज डाल दिया इसके लिए तो ठीक तो है अदरवाइज यू विल हैव टू फॉलो दैट सो विच विल ऑल्सो अगेन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड अ वेस्ट ऑफ मनी ऑल्सो

सो so, कल को इफ द कंपनी गोस बैंक से तो जो भी डेट्स हैं जो शेयर होल्डर्स हैं ओनर्स हैं दे विल नॉट बी पर्सनली लाइबल यानी कि उन्होंने जो जो पैसा इन्वेस्ट किया हो द कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड वो प्रॉबेबली शायद डूब जाए लेकिन वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे कोई क्रेडिटर आके उनको नहीं बोल सकते कि भैया आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भेजो मेरा पैसा चुकाओ दैट विल नॉट हैपन बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबलिटी सो कंपनीज में ये एक बेनिफिट है बहुत बड़ा बेनिफिट है दैट यू गेट द स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल entity now a limited liability company is a legally a separate entity from its owners like i said and kuch difference hai between your shareholders and directors now जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो शायद शेयर होल्डर्स ना भी हो शेयर होल्डर्स बेसिकली ओनर्स होते हैं बट दे विल एज रिलेटेड टू योर डे टू डे ऑपरेशंस। एक शेयर होल्डर रोज आके नहीं देखेगा ओके काम कैसा चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है ये काम है आपके डायरेक्टर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसीलिए अपॉइंट किया जाता है आपने सुना होगा काफी हर कंपनी के बारे में कि उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वो डिसाइड किया सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं जो कि रन करते हैं कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर्स दैट इज द शेयर होल्डर्स सो एंड लाइक एड डायरेक्टर्स आर ऑफन द शेयर होल्डर्स ऑल्सो नाउ क्योंकि आपको ये बेनिफिट मिल रहा है व्हेन यू आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी ऑफ योर लिमिटेड लाइबिलिटी देन ऑफ कोर्स रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी उसके साथ आएंगी सो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो है यूके में वो है कि यू हैव टू बी रजिस्टर्ड एट कंपनीज हाउस यूके में जो कंपनीज होती हैं इफ देअ गॉट द स्टेटस ऑफ विल हैव टू रजिस्टर एट कंपनीज हाउस कंपनीज हाउस की एक वेबसाइट भी अगर आप गूगल पे टाइप करो कंपनी हाउस बेटा आप सीधा वेबसाइट पे जाओगे वहाँ आप किसी भी यूके कंपनी का यू uh, नो you know, नाम टाइप करो यू कैन सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो व्हेन आई वाज इन वर्किंग इन वन ऑफ द बिग फोर्स ये हमारा काम होता था जब हम ऑडिट कर रहे होते थे तो कोई भी अगर हमें प्राय की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती थी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द क्लाइंट आप सीधा जाके बेटा कंपनीज हाउस से डाउनलोड दाँग, कर लेते थे यू नो जस्ट टू चेक और प्रायर फिगर्स जब हमें मैच करने होते थे. सो देर इज अ कंप्लीट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी इनको करना पड़ेगा दो कंपनीज आर दूके दे नीड टू हैव एटलीस्ट वन डिरेक्टर अगर प्राइवेट कंपनी और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी तो दो डिरेक्टर्स होने होंगे द फिनेंशियल अकाउंट जो कि आप सबमिट भी करोगे टू तो कंपनीज और like लाइक ए सैट कंपनीज हाउस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं एंड यू द शेयर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती है कंपनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आपने देखा सोल एंड पार्टनरशिप केस में कुछ खास थी नहीं बिकॉज वहां लिमिटेड लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होता है यहां होता है इसलिए ये रिक्वायरमेंट्स भी उसके साथ साथ आती हैं नाउ लेट्स क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो अफकोर्स दिस इज दिस इज समथिंग विच इज मेकिंगवेस्टमेंट लेस रिस्के बिकॉज यहाँ पे लाइक एज द नेम सजेस्ट लिमिटेड लाइबिलिटी है आपने जो पैसा डाला शायद मैक्सिमम अगर कंपनी यू नो इफ गोज बैंक रही डूबेगा द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बट उसके अलावा आप पर्सनली आपको पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ नहीं सेल करनी पड़ेगी लिमिटेड लाइबिलिटी fina, you know, को लिमिट नहीं कि कि कितने आप कितना भी पैसा उठा सकते हो मार्केट से अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हैजपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है बिकॉज दिस मीन्स डेट कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बिजनेस अलग है ओनर अलग है कल को कुछ ओनर्स कुछ शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई इलनेस हो गई बिजनेस फिर भी चलता रहेगा वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है Tax advantages bhi hain for a limited liability company and it is relatively easier if you want to transfer share, let's say from one shareholder to another. In contrast to a sole trader ya partnership ke case mein Now disadvantages भी हैं. Yes of course limited liability company के तो क्या disadvantages हैं? सबसे पहला तो यही है कि भाई आपको publish करने पड़ते हैं अपने financial statements. So of course उसमें आपका cost भी बढ़ेगा.

शेयर इशूज आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय लॉ सो इट इज नॉट वेरी सिंपल कि आप आराम से जब चाहो शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दो बिकॉज इट ऑल ऑफ दिस इज रेगुलेटेड ऑल राइट नेक्स्ट वी मूव वॉन्ट टू सींग वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि ये सब्जेक्ट है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो इन दोनों के बीच में क्या कुछ डिफरेंसेज है

मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग दैम इन्फॉर्मेशन जो कि वो यूज करेंगे टू सेट गोल्स और इवेल्युएट करना इन गोल्स को ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोड्यूस करती इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सटर्नल पार्टीज यूज करते हैं जैसे कि मैंने कहा शेयर होल्डर्स या फिर द पीपल हु आर लेंडिंग मनी चाहे वो बैंक हो गया या कोई और हो गया तो दीज पीपल आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड कि हाउ द कंपनी इज डूइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेकिन प्रोड्यूस करते हैं वो इंफॉर्मेशन वो जो कि इंटरनली यूज की जाती है यानी कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आपके जो एम्प्लॉइज है मैनेजमेंट हो गया वो ये इंफॉर्मेशन यूज करती है ये आप कहीं बाहर पब्लिश नहीं करते हो ये आपके शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है नाउ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज लीगली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स एंड ऑल्सो शेयर देम विद द इन्वेस्टर्स एज वी नो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट की ऐसी कोई लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आप इसको कहीं पब्लिश करो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ ऑफकोर्स फोकस इज ऑन हिस्ट्री है जो आप रिपोर्ट करते हो दैट्स फॉर योर प्रायर ईयर और इट कुड बी अ प्रायर क्वार्टर इन सम केसेस अगर आप क्वार्टरली भी बना रहे हो तो आप आपका जब ईयर एंड होता है आप तब प्रोड्यूस करते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल क्या क्या हुआ सो इट इज इन अ वे प्रायर ईयर को देखता है बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो फोकस है फोकस करता है अभी पे प्रेजेंट पे और फ्यूचर तो आप फ्यूचर फोकस देखते हो कि कंपनी आगे और कैसा कर सकती है सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर Now, जो भी रूल्स हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दे आर स्टैंडर्ड्स। या तो गैप होगा अगर आप यूएस कंपनी हो तो आप प्रॉबेबली यूएस गैप फॉलो कर रही हो अगर आप कहीं और हो रजिस्टर्ड अगर आप आई एफ आर एस यूज करते हो तो आप प्रोबली यू आर फॉलोइंग देरियस आई एफ आर एस विच इज यनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड यू विल हैव टू कंप्लाई विद इज अगल रिक्वायरमेंट टू डू सो मैनेजमेंट के अकाउंटिंग केस में क्योंकि आप ये कहीं पब्लिश नहीं करो आप इंटरनली यूज करो सो एज सच आपको कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये पर इस फॉर्मेट में करना है या ये स्टैंडर्ड को फॉलो करना है बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर इंटरनल पर्पसेस सो दैट इज वन मोर डिफरेंस नाउ लेट्स लुक एट हु आर द यूजर्स एंड वट इज स्टेक होल्डर नीड्स तो आप जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हो हमने अभी तक सुना कि ओके शेयर होल्डर या लेंडर के लिए है क्या सिर्फ इनके लिए है नहीं देर आर मेनी अदर पीपल और पार्टीज और यूजर्स जो कि इंटरेस्टेड है इस इंफॉर्मेशन के लिए फॉर वेरियस रीजन एंड वो ही हम देखने वाले हैं बिफोर दैट जो आई एस वन है आपका यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन विच इज ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट जो फाइनेंशियल पोजिशन है क्या कैश फ्लोज है आपके एंटीटी के टू अड रेंज ऑफ यूजर्स डे कैन मेक देर इकोनॉमिक डिसीजन अगर मैं कोई इन्वेस्टर हूं और मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है इस कंपनी की क्या पोजिशन है वॉट आर द कैश फ्लोज बिफोर आई मेक अ वाइज एंड साउंडिसन

शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी तो ऑफकोर्स इनको तो बहुत इंटरेस्ट है ही बिकॉज दे आर द कंपनी ओनर्स दे वॉन्ट टू नो भाई कंपनी ने इस साल कैसा परफॉर्म किया है क्या कुछ चीजें प्रॉब्लमैटिक रही है या क्या कितना बढ़िया किया है सो दे आर इंटरेस्टेड कितना प्रॉफिट बना है ट्रेड कॉन्टैक्ट्स आपके जैसे कि सप्लायर्स जो आपको गुड्स सप्लाई करते हैं दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड बिकॉज अगर वो क्रेडिट में सप्लाई कर रहे हैं तो दे टू सी दैट द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल उनको उनका पैसा मिलेगा तो उनको फ्यूचर में भी इस कंपनी से कंटिन्यू करना चाहिए अगर वो देखें कि कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है देन मे बी दे डोंट वॉन्ट टू बी योर सप्लायर इन ही मोर कस्टमर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू सिक्योर दे सप्लाई ऑफ गुड्स अगर मैं एक कस्टमर हूँ किसी कंपनी से बट मेरा खुद का भी तो कोई बिजनेस हो सकता है बट लेट्स से कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है स्टील ठीक है और मैं को जो प्रोडक्ट बनाती हूँ उसमें मैं स्टील यूज करती हूँ तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि भाई वो कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं करके वो बंद ना हो जाए क्योंकि अगर वो बंद हो गई तो मैं उसे जो स्टील लेती हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं अपना बिजनेस आगे कैसे करूंगी इसलिए कस्टमर्स विल बी ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस तो होंगे ही जिन्होंने भी आपको फाइनेंस दिया है चाहे वो बैंक हो गया कोई लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सी भाई आप कैसा परफॉर्म करो आप उनका पैसा इंटरेस्ट समेत वापस कर पाओगे या नहीं टैक्सेशन अथॉरिटीज ऑफकोर्स टू एस कि भाई कितना टैक्स पेएबल है बाय uh, दो एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू सी हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग टू सी कि भाई हमारा यहाँ पे फ्यूचर है कि नहीं है ये कंपनी अच्छा कर रही है तो ऑफकोर्स पोटेंशियल है टू ग्रो अदरवाइज यू विल प्लान टू लीव इट फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एडवाइजर्स ना देड इन्फॉर्मेशन बिकॉज उनके जो क्लाइंट होंगे जो कि इंटरेस्टेड हो सकते हैं टू बास और टू डू एनी इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक हो गए इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड टू द्लाइंट्स की भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो गवर्नमेंट और एजेंसीज भी इंटरेस्टेड होंगी टू सी वॉट इज द एलुकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज एंड द पब्लिक एट लार्ज बिकॉज कोई भी कंपनी जो होती है जो आस पास की आपकी लोकल सोसाइटी है लोकल पब्लिक है उसको अफेक्ट करती है अगर कोई कंपनी मैंने खड़ी की तो आसपास के लोगों को ऑफकोर्स जॉब मिलेगी राइट right? और उनका ग्रोथ होगा सो दिस इज समथिंग दैट जो जनरल पब्लिक है दे विल बी आल्सो इंटरेस्टेड इन द वर्किंग्स ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑफ दिस रीजन

दैट इज डिफरेंट लाइक इट्स नॉट द सेम दैट सेम पीपल ही ओनर हो वही मैनेज करो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है दैट्स वाई यू नीड अ सिस्टम ऑफ गुड कॉपरेट गवर्नेंस जिसमें ये जो कॉन्फ्लिक्स हैं ना हो और आप एक ही तरफ एक ही दिशा में आप जा रहे हो और ऐसे दैट इज योर गवर्नेंस ना कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डायरेक्टर्स की तो ये क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सबसे पहले तो ऑफ कोर्स एज अ डायरेक्टर यू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टू शो राइट बिकॉज आप एक कंपनी का अगर डायरेक्टर हो यू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर एंड यू नीड टू शो योर रीजनेबल कॉम्पिटेंस वेन यू आर वर्किंग डायरेक्टर्स विल ऑल्सो बी सेट टू हैव अन रिलेशन टू द कंपनी विच मीन दैट दे नीड टू एक्ट ऑनेस्टली and what they consider to be best interest of the company so as a director you need to make sure that aap jo bhi kar rahe ho jo bhi decision le rahe ho That is in the best interest of the company and not in the best interest of you. अगर मैं कल को कोई deal करूँ और उससे अगर मुझे personally benefit मिल रहा है तो वो चीज गलत हुई मुझे ऐसा काम करना चाहिए या उस direction में काम करना चाहिए जहां से मेरी company को benefit हो so That is the main thing. Now in UK के जो कंपनीज एक्ट है उनका ऑफ टू दे हैव सेट आउट सेवन स्टैचूटरी ड्यूटी डायरेक्टर्स के लिए दैट इज डायरेक्टर शुड एक्ट विद इन देर पावर जो मेरा पावर है रोल है मुझे उसी के विद इन एक्ट करना चाहिए आई कॉन्ट रियली गो अब लाइक आउट ऑफ दैट एंड डू वट एवर आई वॉन्ट टू आई ऑफकोर्स शुड प्रमोट द सक्सेस ऑफ द कंपनी जिस कंपनी के आप डायरेक्टर हो आप ऑफकोर्स प्रमोट करोगे जहां भी जाओगे उस कंपनी को उसके सक्सेस को यू नीड टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट कोई आपको इन्फ्लुएंस कोई अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आपको इंडिपेंडेंटली डिसाइड करना होगा कि भाई ठीक है ये चीज़ सही है कंपनी के लिए या नहीं है यू ऑफकोर्स नीड टू अप्लाई और एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल केयर एंड डिलीजेंस जब भी आप कुछ कर रहे हो अगर आप किसी और कंपनी से डीलिंग कर रहे हो देन यू नीड टू भी डिलीजेंट राइट आपको चेक करना होगा कि वो कंपनी सही है नहीं है यू विल नीड टू हैव रीजनेबल केयर

और लेट्स से वो कंपनी में मेरा कोई रिलेटिव काम करता है तो इन अ वे मेरा भी उसमें सॉर्ट ऑफ आई वुड से एक इंटरेस्ट है कि आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर ये डील हो जाए क्योंकि मेरे रिलेटिव को भी फायदा हो रहा है और कंपनी का भी हो रहा है तो अगर ऐसा कुछ है तो आई शुड डिक्लेयर कि भाई मैं बोलूँ कि ठीक है हम ये डीलिंग का सोच रहे हैं लेकिन इसमें मेरा एक प्रपोज इंटरेस्ट है इस ट्रांजेक्शन में सो यू विल हैव टू डिक्लेयर इट इन केस देर इज अ एनी इंटरेस्ट और इन दैट अरेंजमेंट पर से वेन यू आर एक्सरसाइजिंग दिस ड्यूटी डिरेक्टर शुड कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द डिसीजन इन द लॉन्ग टर्म आप कोई चीज डिसाइड कर रहे हो तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म का नहीं देखोगे क्योंकि अभी चलो मेरी कंपनी को ये फायदा हो जाएगा यू विल हैव टू सी कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है यू ऑफकोर्स नीड टू सी आपके एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट एज अ डिरेक्टर यू मस्ट ऑलवेज कंसिडर कि आपके आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो आपके एम्प्लॉयज को एडवर्सली इफेक्ट ना करे You should develop good relationship with your customers and suppliers. यू शुड सी द इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी ऑन योर लोकल कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही मेरी कम्युनिटी यू नो सफ़र कर रही है या मैं एन्वायरमेंट uh, मेरी कंपनी की वजह से यू नो एन्वायरमेंट हार्म हो रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो यू शुड ऑफकोर्स कंसिडर एंड ट्राई टू ऑलवेज मिनिफाइज एनी इम्पैक्ट दैट यू आर लिविंग ऑन द एन्वायरमेंट

गोइंग कंसर्न अजम्पन ये है कि इफ यू से दैट वी कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न तब आप ये कह रहे हो कि आपकी कंपनी विल कंटिन्यू द बिजनेस इन द फॉसिबल फ्यूचर फोसिबल फ्यूचर जो होता है इन टर्म्स में आप 12 मंथ्स मानते हो क्योंकि हम यूजली रिपोर्टिंग 12 मंथ्स में करते हैं राइट सो इट इज कंसिडर्ड टू बी 12 मंथ सो यू आर सेइंग कि फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स आपके बिजनेस में अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है कि आपको लग रहा है कि बिजनेस बंद हो जाएगा या यू नो कंपनी बंद हो जाएगी सो यू आर सेइंग वी आर अ गोइंग कंसर्न अगर कोई कंपनी के लेट्स से उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है ठीक है एंड वो केस हार गए मिलियंस एंड डॉलर्स या बिलियंस ऑफ डॉलर पर केस था हो सकता है उस वजह से आपका गोइंग कंसर्न स्टेटस में प्रॉब्लम आ जाए कि यू आर नाउ नॉट एबल टू जस्टिफाई कि भाई आप आगे तक कंटिन्यू कर पाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड हो वैसा नहीं बनता एक ब्रेकअप बेसिस में बनता है बट जेनरलीफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड यू कैन जस्टिफाई कि भाई आगे कोई प्रॉब्लम हम फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ नहीं देख रहे हैं देन यू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल वे एंड यूजिंग द गोइंग now companies over a certain size limit will of course have to get an annual audit also done and an audit kya hota hai? independent examination hota hai by a third party jo ki, dekhta hai ki yes this company has good internal controls they are complying with the legal requirements and with the accounting standards but, like I said, auditors are not responsible for preparing financial statements. It is a company, the director's responsibility for the preparation of financial statements. Auditor will just, you know, give a report to the shareholders, giving them an assurance that yes, everything is true and fair. Now, an audit therefore goes सम वे इन हेल्पिंग द शेयर होल्डर एस एस की बेसिकली मैनेजमेंट ने काम कैसे किया है अगर एक आपको अच्छी क्लीन ऑडिट रिपोर्ट मिलती है then you will know that, okay, आपके management ने अच्छा काम किया है ऑफ योर फाइनेंशियल रिपोर्ट तो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट में आ जाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन विच इज नथिंग बट योर इन सिंपल टर्म्स बैलेंस शीट ना आपकी जो ये बैलेंस शीट है जो हम अच्छे से जानते हैं

और आप ही उसको कंट्रोल कर रहे हो विच इज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स आपने पहले उसको एक्वायर किया होगा वॉट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स बेसिकली अ राइट जिसमें आप यू कैन गेन दोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट एग्जाम्पल एसे आपकी जो फैक्ट्रीज हैं बिल्डिंग्स है वेयर हाउस है प्लांट एंड मशीनरी ये सब क्या है ये सब एक बिजनेस के एसेट्स होते हैं आप इनको एसेट साइड में ही देखोगे एक बैलेंस शीट के

देन इज कैपिटल ऑफ इक्विटी यानी कि जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है इन अ बिजनेस बाय द ओनर दैट इज योर कैपिटल राइट इसको एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइबिलिटी माना जाता है वाई इज इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी इफ यू मे आस्क इन द सेंस वैसे कैपिटल की हेडिंग अलग आती है बट इन अ वे फॉर द कंपनी कंपनी में किसी ने पैसा डाला कैपिटल डाला

प्रोफॉर्म ऑफ आई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन यानी कि फॉर्मैट ऑफ योर बैलेंस शीट आपने शायद इलेवेंथ ट्वेल्थ में अलग फॉर्मैट शायद थोड़ा देखा हो बट द एक्चुअल फॉर्मैट इज वैसे यू हैव यू नॉन करेंट एसेट्स यू हैव योर प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट इंटैंजल जो भी आपके नॉन करेंट एसेट्स हैं इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं देन यू हैव यू करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज हो गए आपके ट्रेड रिसिवेबल्स यानी कि डेटर्स हो गए प्री पेमेंट कैश एंड देन यू हैव योर

स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल अनद इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि रिकॉर्ड करती है इनकम विच इज जनरेटेड एंड जो भी आप एक्सपेंस भी इंकर करते हो इन अ गिवेन पीरियड बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल आपने क्या प्रॉफिट बनाया या लॉस किया है क्या आपने अर्न किया और क्या क्या खर्चे भी किए सो योर रेवेन्यू एज वेल एज योर एक्सपेंसेस सो इनकम की डेफिनेशन आई so, well so, ने दी है दैट दैट इट इज एन इंक्रीज इंक्रीज इन 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 एसेट और डिक्रीज विल रिजल्ट इक्विटी एक्सपेंसेस या तो है डिक्रीज इन एसेट या फिर आपको इंक्रीज हो रहा है इन लाइबिलिटी दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन योर इक्विटी नाउ प्रोफोमा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल एंड ओसीआई यानी कि अदर इनकम के क्या है

ओसीआई में एट दिस लेवल आपका ज्यादा नहीं है फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग यू विल मोस्टली सी एनी गेन और लॉस ऑन प्रॉपर्टी रिवेल्यूशन अफकोर्स आगे के लेवल में ओसीआई सेक्शन में भी आप और चीजें देखोगे सो यू गेट योर टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द इयर सो विद दिस वी फिनिश दिस सेशन एंड ये एक बहुत ही इंट्रोडक्ट्री और बेसिक सेशन है सो यू कैन एक्सपेक्ट फ्यू एम सी क्यूज फ्रॉम इट बट इट इज़ अ बेस लेवल आप जब तक यू you नो know, इसको नहीं समझोगे आप आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है सो इट इज इम्पॉर्टेंट ये आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़े क्लियर हो Abhi we will be solving few questions here few MCQs here but of course in our Fintrams video question marathon hum dher sare questions karenge jahan past exam questions concept based uh, questions karte so abhi ke liye we will be solving few questions relating to this chapter or session that we just completed so let's have a look at example one so

उल्टा केस मतलब सोल ट्रेड ऑफ पार्टनरशिप रिस्क होंगे बट एज लिमिटेड तो आपकी लिमिटेड हो जाती है तो ये पॉइंट जो है गलत है सो ओनली एडवांटेज सेकेंड पॉइंट वॉज रॉन्गली विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कॉपरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सराउंडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नो is the system by which companies and other entities are directed and controlled yes we have studied that but let's uh, still look at the other options it is carried by finance department as a and the system by which an entity will monitor its impact on natural environment bill could be so the correct answer here is b it is a system by which the entities are directed and controlled example 3 which of the following are true of partnership पार्टनर इंडिविजुअल सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता अनलेस ऑफकोर्स यू आर रजिस्टर्ड एज एन एल एल पी तब यह पॉइंट सही होता अदरवाइज दिस इज रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पार्टनरशिप बाय लॉ मस्ट बी प्रोड्यूस एंड मेट पब्लिक नो अगेन

बैंक ओवर ड्राफ्ट डेफिनेटली एक लाइबिलिटी होता है तो ये तो बिल्कुल नहीं है फैक्ट्री बिल्डिंग्स पेबल्स भी लाइबिलिटी है अमाउंट ओ टू टैक्स भी आपकी लाइबिलिटी द ओनली एसेट इज बी यानी कि फैक्ट्री बिल्डिंग्स एग्जाम्पल फाइव फिल इन द बैंक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ वे ऑफ ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक फाइनेंशियल डेटा सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिगिनिंग ऑफ द सेशन हमने क्या पढ़ा था इट इज अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग then you analyze it and finally you summarize that financial data so the correct answer is recording analyzing and summarizing so with this we finished this session but now what we're gonna do is quickly recap this session itself so that you are well versed with it and you are you know sure ki bhai humne aaj kya kya padhe, aapke concepts jo humne padhe, you are absolutely clear with it

आज का सेशन में जो हमने पढ़ा तो आज के सेशन में सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग

हमने सबसे पहले देखा कि भाई बिजनेस एक कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंसर्न है जो कि एक्जिस्ट करेगा मे बी टू मैन्युफैक्चर इन गुड और सर्विस देन बिजनेस से जॉब होती है लोगों को यू नो यू प्रोवाइड जॉब यू इन्वेस्ट मनी इन वेरियस रिसोर्सेज देन वी स्टॉक्ट अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी तीन देखी हमने एक है सोल ट्रेडर ओन वन लाइबिलिटी ऑन वन

ट इज देन इन दूके यार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजन है वो अप्लाई होते हैं अगेन पार्टनरशिप की भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है अकाउंट पब्लिकली अवेलेबल ये दोनों पॉइंट हवे अप्लाई नहीं होंगे टू एन एल एल पी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सो यही है आपके पार्टनरशिप के फायदे एंड डिस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो होती है यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाता है यानी कि ओनर्स आर डिफरेंट एंड जो आपके कंपनी uh, है वो डिफरेंट है तो कल को कोई ओनर की डेथ हो जाती है तब भी कंपनी चलती रहेगी एंड ओनर्स आर नॉट पर्सनली लाइबल एंड उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाएगी इनकेस द कंपनी गोज बैंक क्रप्ट और कुछ भी गड़बड़ होती है बिकॉज ये आर लिमिटेड लाइबिलिटी है मे बी जो आपने शेयर कैपिटल डाला है जो भी मनी डाला है वो शायद लॉस हो जाए बट आपको पर्सनली और कुछ नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी का ऑफकोर्स इसके साथ आएंगी कुछ रिक्वायरमेंट्स सो यूलमेंट्स जो कि यहाँ पेस्टेड है यू हैव टू बजिस्टर्ड एट कंपनी हाउस मेमोरेंडम्स ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नीड टू हैवन डिरेक्टर और इन केस ऑफ पब्लिक टू डिरेक्टर्स एटलीस्ट पब्लिश दीज अकाउंट ऑल्सो एंड फॉर लार्ज कंपनीड टू एडवांटेजेस क्या है ऑफकॉर्स लिमिटेड लाइबिलिटी है तो सबसे बड़ी एडवांटेजेस है फाइनेंस रेस करना इजी हो जाता है पर डिसएडवांटेजेस हैं कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है ऑडिट अगर करना है तो वही वो भी बहुत एक्सपेंसिव है एंड शेयर इश्यूज भी रेगुलेटेड होते हैं बाय लॉ Then we moved on and talked about what differences are between your financial accounting and management accounting. So, financial accounting, we have seen, is to produce your financial accounts uh, on a particular date. Management accounting is you are getting some information to see, to plan, to set goals. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आप बेसिकली एक्सटर्नल पार्टीज को दे रहे हो इन्फॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स हो गए लेंडर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन आप इंटरनली यूज करते हो लीगली रिक्वायर्ड नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियली अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यू हैव टू कंप्लाई विद द वेरियस यू नो स्टैंडर्ड्स एंड गैप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस इज ऑन प्रायर और पास्ट बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूर फोकसिंग ऑन प्रेजेंट और फ्यूचर फोर्स कास्ट

Workings of the company. Governance concept mein humne dekha that it is a system by which the companies are directed and controlled. And why do you need good corporate governance? Because often the people who are managing it are not the same as the owners, and this could lead into conflicts of interest. Kuch legal responsibilities are the directors ki that reasonable competence and they have a fiduciary position. The Companies Act hai of 2006 in the UK has listed these seven statutory duties. क्ट विद इन द पावर प्रमोट द सक्सेस एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट एक्सरसाइज रीजनेबल क्या हैड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी बेनिफिट आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए और अगर आपका कोई यू नो इंटरेस्ट इन अ ट्रांजेक्शन यू शुड डिक्लेयेर इट सो ये सारी चीज़ें हमने देखी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने जैसे कि कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डायरेक्टर्स के पास ही होती है दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑडिटर्स आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट एंड हमने गोइंग कंसर्न के बारे में भी सीखा

जो आपका फॉर्मेट है बैलेंस शीट का ये होगा यूज ये करोगे एग्जाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है यहाँ पे आपको यूजली फॉर्मेट्स दिए जाते you know, जब आप क्वेश्चंस देखोगे जब हम करेंगे मैराथन में आप देखोगे कि यूजली ब्लॉग्स दिए जाते हैं यूल फिल इन द अमाउंट बट एज सच प्रोफॉर्मर्स यहाँ पेन करने की जरूरत नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा आगे लेवल्स में Then statement of P&L, basically all the income that you are making and the expenses that you are incurring. You get your profit. Statement of OCI, BOC may include it at this level. Like I said, OCI is other items nahi hai. And then we did few questions. So, with this, we finished this session. I will now see you in the next session. Till then, you can go ahead and revise this one. This is Disha Chahan signing off.